ग्रामीण महिला सक्षमीकरण संगठन देहात द्वारा 24 से 26 दिसंबर तक हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में सुबह 11 से रात 9 बजे तक किया जाएगा। उक्त जानकारी देहात की संस्थापक वृंदन बावनकर ने वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि देहात की शुरुआत 2018 में सिर्फ दो महिलाओं के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य सिंगल मदर्स को व्यवसाय देना था। सबसे पहले संस्था द्वारा कागज की पेन और पेंसिल बनाना शुरू किया गया। धीरे धीरे संस्था के साथ महिलाओं का कारोबार जुड़ता गया और आज 226 महिलाएं देहात के साथ जुड़ गई हैं। देहात की 5 शाखाएं 2 मुंबई में, 1 नागपुर, 1 पवनी और 1 पश्चिम बंगाल में है। प्रदर्शनी निःशुल्क है। देहात फाउंडेशन ने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है जो 24, 25, 26 दिसंबर साउथ सेंट्रल जोन में होने वाला है। हमारे वेन्यू पार्टनर साउथ सेंट्रल जोन है। सुबह 11 बजे से 9 बजे तक ये एग्जीबिशन रहेगा। माननीय श्री नितिन जी गडकरी इसके इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं। देहात फाउंडेशन महिलाओं को रोज़गार देने का काम करता है। करीबन 226 महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी है और हम हैंडवोवन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स का यहाँ पे एग्जीबिशन होने वाला है। पर इस एग्जीबिशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि एक ही छत के नीचे लोगों को पूरी प्रोसेस देखने मिलेगी। कपास से कपड़ा, कपड़े से गारमेंट कैसे बनता है, उसके बाद हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, आरी वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सब हमारे जो आर्टिजन से ये वहाँ पे करेंगे और लोग भी अगर करना चाहते हैं उनके साथ मिलके तो वो भी ये नई तकनीक सीख सकते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।